फ्राइडे को मक्का मस्जिद में लगभग 4,000 लोग नमाज पढ़ने आए, उसका भी पूरा बंदोबस्त अच्छे से हो गया और आरएएफ भी थी, बाकी सब ऑफिसर्स फोर्स थे। इसके अलावा उससे पहले फलकनुमा में छत्रीनाका पुलिस स्टेशन में, फलकनुमा डिवीज़न में, चूँकि लाल दरवाज़ा बोनालू बहुत बड़ा एक बंदोबस्त है तो उसका एक रिव्यू मीटिंग लिए, उसके पूरे तैयारियां कर रहे हैं। पिछली बार से भी बेहतर किस तरीके से इंतजाम हो सकते हैं उसकी बातचीत डीसीपी साहब की अगुवाई में सब तैयारियां हो रही हैं, और बैरिकेडिंग प्लान, कौन सा ऑफिसर कहां पोस्ट होना, और किसी भी तरीके से किसी भी पब्लिक को और भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, और बहुत अच्छी तरीके से ये बंदोबस्त हो, बहुत अच्छी तरीके से ये त्यौहार जाए, इसके लिए हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये बंदोबस्त पकड़बंदी से किया जाएगा। पुलिस का नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे 2000 से ऊपर रहेंगे, उससे ऊपर ही रहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी ऑफ बंदोबस्त बढ़िया हो, तो उस एंगल से सभी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो चारों मंदिर हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहना, कि ताकि प्रोसेशन जब शुरू हो तो बाकी के भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसमें मिलते जाना। उसके अलावा क्राइम टीम डिप्लॉय की जाएगी सिविल ड्रेस में, शी टीम भी डिप्लॉयड होगी क्योंकि बहुत सारे लेडी भक्त आते हैं, तो पूरा एक सिक्योरिटी का और फैसिलिटेशन उनके इसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो उस हिसाब से बंदोबस्त किया गया। सोशल मीडिया पे कैसे एक चीज़ बात वायरल होती है जिससे कुछ कम्युनल इश्यूज हो जाए, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, अभी देखिए कम्युनल जो माहौल है शहर का बहुत बेहतरीन है, और उसके लिए सभी शहरी जो हैं पूरे शहर के और ओल्ड सिटी के खास तौर से उनका कंट्रीब्यूशन है ये, तो इस तरीके की जब सब लोगों को पता है कि शहर के हमारे की तहजीब क्या रही है, एक हिस्ट्री क्या रही है, और एक सिटी का जो कैसा माहौल रहा है हमेशा गंगा तहजीब की तरह सारे फेस्टिवल जो एक साथ मनाते हैं, तो ऐसे में अगर एक आध कोई सोशल मीडिया का मैसेज आ गया तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को कोई गुमराह करने की ताकत रखता है। शुक्रिया। अलावा मैं जो लोग इस तरीके का जो रूमर फैलाते हैं या कुछ ऐसे पोस्ट डालते हैं जिससे कि फिज़ा ख़राब होने का अंदेशा है, उन लोगों को भी मैं एक आगाह करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। अगर कोई सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, और कोई इस तरीके का निगेटिव काम नहीं करें। अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो ज़रूरत पड़ने पर उसको आइडेंटिफाई करके और कानून के हिसाब से उसके खिलाफ़ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो प्लीज़ कोई भी, सब लोगों से अपील है, कोई भी ऐसी मीडिया पोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबली जिससे कि शहर की जो सुकून है, जो शहर का अमन है, उसको खतरा हो या अंदेशा हो, तो इस तरह का कोई काम ना करें। अगर फिर भी कहने के बावजूद कोई आदमी करता है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।